हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे न्यू वीडियो में बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और एक हिस्टोरिकल प्लेस है, आप सभी को पता है, आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे भारत के अंदर जो आप सभी को पता है एक आगरा का किला, जिसको लाल किला कहा जाता है और बहुत ही फेमस है अपने भारत के अंदर। तो दोस्तों, चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आगरा के लाल किले की हम बात करते हैं तो आगरा का लाल किला, किला ए अकबरी या किला रूज के रूप में भी जाना जाता है। और आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर एक विशाल किला है, जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, एक पूरे शहर को शामिल करते हुए इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1553 में मुगल बादशाह अकबर ने किया था। और जब आगरा को नई दिल्ली से स्थानांतरित किया गया तो आगरा का किला वर्ष 1638 तक मुगलों का एक मुख्य निवास स्थान माना जाता था। अपने ऐतिहासिक महत्व और अनूठे निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। और आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक माना जाता है। और इसमें काफ़ी भव्य इमारतें हैं और ये मुगल शैली की कला है और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है। और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। और विशुद्ध रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किले के परिसर के भीतर पर्ल मस्जिद और दीवान ए खास, दीवान ए आम और दीवान ए मोती मस्जिद और जहांगीर महल जैसे मुगलों के सबसे उत्तम वास्तुशिल्प है। दोस्तों, अगर इस आगरा के किले की अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो आगरा कभी दिल्ली की राजधानी हुआ करता था और सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे, जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। और उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे पानीपत की पहली लड़ाई में हारने तक 9 साल तक बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। और जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा तो उसने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त कर लिया गया था, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। और 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था और शेरशाह सूरी को हुमायूं की हार के बाद मुगलों ने फिर से किले को खो दिया था। और वर्ष 1558 में जब अकबर आगरा पहुंचे तो उन्होंने शहर के महत्व को महसूस किया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, और अकबर ने बादलगढ़ के किले के अवशेषों को फिर से हासिल किया और इसे राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से पुनर्निर्मित किया और 4000 बिल्डरों ने इस पर काम किया। और 8 साल की अवधि के बाद 1573 में इसे पूरा किया गया था। और साजा जो अकबर का पोता था, जो अपनी जगह बनाने के लिए कुछ इमारतों को नष्ट कर दिया, जो आज भी आगरा के किले को प्रस्तुत करता। और साजा के जीवन के अंत में उसके बेटे औरंगजेब ने उस किले के मुसमन बुर्ज ने नज़रबंद कर दिया, जहां से साजा ताजमहल को देखा करता था। और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों ने आगरा के किले पर आक्रमण किया और किले का स्वामित्व कई बार बदल गया। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी हार के बाद उन्हें निर्णायक रूप से अगले 10 वर्षों के लिए क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। और महादजी शिंदे ने वर्ष 1785 में आगरा के किले को पीछे छोड़ दिया और 1803 द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध तक मराठाओं ने अपने शासन काल को तब तक कायम रखा जब तक वे इसे अंग्रेजों से हार गए। और यह किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक लड़ाई का स्थल था, जो भारत में ब्रिटिश शासन के प्रत्येक शासन की एक सदी के साथ आया। और दोस्तों, अगर इस किले की संरचना की हम बात करते हैं तो आगरा में लाल किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और 70 फीट की ऊंची दीवार से ये घिरा हुआ है। और किले के चारों तरफ 4 मुख्य द्वार हैं, इनमें से एक द्वार को खिजरी गेट के नाम से जाना जाता है और नदी के सामने की तरफ खुलता है। और वर्तमान में किले में 2 दर्जन से अधिक स्मारक है। और अकबर के इतिहासकार अबुल फजल का कहना है कि बंगाली के साथ साथ यहाँ गुजराती शैली में 5000 इमारतें बनाई गई थी, लेकिन अब ये इमारतें गायब हो गई है। और किले के 4 द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार नदी के तट पर खुलता है, जहां सम्राट इन घाटों पर स्नान करते थे। और अकबर के शासन के दौरान निर्मित लगभग 5000 शासनाएँ थीं, उनमें से अधिकांश ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान नष्ट हो गई थी। और आगरा के किले ने महान शाहजहाँ की मृत्यु के बाद अपना आकर्षण खो दिया था और बचे हुए खंडहरों में से केवल दिल्ली गेट, अकबरी गेट और बंगाली महल आज भी अस्तित्व में है। और शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान किले का स्वरूप बदल गया और जब अंग्रेज़ों ने लाल किले का स्वामित्व तो संभाला तो किले में बहुत अधिक परिवर्तन किया गया। और उन्होंने राजनीतिक कारणों को हवाला देते हुए
बेरकों को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक महत्व के साथ कई संरचनाओं और संपादनों को नष्ट कर दिया गया, और जो संरचनाएँ जीवित रहने में कामयाब रही वे मुगल वास्तुकला की वास्तविक जटिलता और कारीगरी का प्रदर्शन करती है। और किले के भीतर मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण जैसे दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट और बंगाली महल संरचनाएँ न केवल मुगल वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि अकबरी वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण भी है। और किले के अंदर प्रसिद्ध इमारतें की बात करते हैं तो सबसे पहले जहांगीर का जो महल है वो आता है, और आगरा के किले में अमर सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले जहांगीर महल नज़र आता है। और जहांगीर अकबर का बेटा था और उसके पिता के बाद मुगल साम्राज्य पर शासन करने के लिए अगले पंक्ति में था। और जहांगीर महल को अकबर ने एक महिला क्वार्टर के रूप में बनाया गया था और उसका निर्माण उसकी पसंदीदा रानी जोधाबाई की कक्षों के लिए किया गया था। और दूसरा आता है दोस्तों खास महल, जो आगरा में एक महत्वपूर्ण संरचना का खास महल माना जाता है और जिसके निर्माण में हिंदू रूपांकनों के स्पर्श के रूप में कुछ शास्त्रीय और पारसी और इस्लाम प्रभाव है, और सम्राट आराम करते थे इसके अंदर। इसकी अनूठी विशेषता संगमरमर की तरह सतह पर खूबसूरत पेंटिंग द्वारा इसमें दर्शाया गया है। और तीसरा आता है दोस्तों मुस्मन बुर्ज, जो खास महल के बाईं ओर मुस्मन बुर्ज है और जिसे शाहजहां ने बनवाया था, और आकार में अष्टकोणीय इस टावर को एक खुला मंडप जहां सम्राट खुली हवा का अक्सर आनंद लिया करते थे। और दोस्तों नंबर चार पे आता है शीश महल। आगरा किला में सबसे उत्तम निर्माणों में से एक शीश महल एक हरम या ड्रेसिंग रूम है। इस महल के अंदर छोटे छोटे दर्पणों की बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया और इसलिए इसका नाम शीश महल पड़ा है। और पाँचवें नंबर पर आता है दीवान ए खास। शीश महल के दाएँ ओर दीवान ए खास है, जो विशेष रूप से निजी दर्शकों के लिए एक हॉल के रूप में था। इसे संगमरमर के खंभों से सजाया गया और अर्ध कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है। दोस्तों नंबर छः पे आता था दीवान ए आम। आगरा किले में ये वह हॉल था जो आम जनता के लिए खुला था, और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध एक ही मयूर सिंहासन स्थित था जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया था। और नंबर सात पे आता था नगीना मस्जिद, और इस मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने दरबार की महिलाओं के लिए एक निजी मस्जिद के रूप में करवाया था। और दोस्तों आठवें नंबर पर आती थी मोती मस्जिद, और मोती मस्जिद आगरा के किले में एक स्थित अत्यंत सुंदर संरचना है, और मस्जिद की इमारत अब पर्यटकों के लिए बिल्कुल बंद हो चुकी है। और मोती मस्जिद के पास मीना मस्जिद है जो सम्राट शाहजहां का एक निजी मंदिर भी माना जाता था।
दोस्तों, अगर यहाँ आप आगरा के अंदर आते हैं तो आपको इस किले का जरूर भ्रमण करना चाहिए। और आगरा किला प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।